हॉल लाहौर में ख्वाजा सराओं के आलमी दिन पर तकरीब, सूबाई वजीर एजाज आलम की तकरीब में खसूसी शिरकत। तकरीब का इनेकाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान ने किया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और कम्यूनिटी के नुमाइंदों की शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैफ पाकिस्तान मोहम्मद तहसीन ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। प्रोग्राम मैनेजर शर्जील अहमद ने बैन अल-अक़वामी दिन की तारीख और अहमियत बारे आगाह किया। तकरीब में एक पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया। ट्रांसजेंडर हकूक के कारकुन, सरकारी इदारों के नुमाइंदे, कानून साज और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू किए। एजाज आलम अगस्टीन ने कहा है कि ख्वाजा सरा भी मुआशरे का अहम रुकन है, हर शोबा में ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी यकीनी बना रहे हैं। ख्वाजा सराओं के रजिस्ट्रेशन और दीगर इकदाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। सूबाई वजीर ने साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। सेक्रेटरी इंसानी हकूक नदीमान ने महकमा के इकदाम पर रोशनी डाली। नदीम उर्रहमान का कहना है कि ख्वाजा सरा बरादरी के तहफ्फुज़ से मुतल्लिक बिल हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है। दीगर मुकर्ररीन ने भी ख्वाजा सराओं के हकूक बारे बातचीत की। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में शील्ड्स तकसीम की गयी। इस मौके पर महकमा कानून, सेहत, खवातीन की तरक्की, मकामी हकूमत, SED, CEC, मुहतसब, समाजी बहबूद और इंसानी हकूक के नुमाइंदे मौजूद थे। Oh, 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 oh